भारतीय जनता पार्टी हरियाणा मोर्चा द्वारा मंगलवार 7 नवंबर को कुरुक्षेत्र में महिला खिलाड़ी सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली खेल से जुड़ी महिला हस्तियों को भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लव कुमार देव और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी संतोष यादव, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता डांगी, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री आशा खेतदड़, स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान बबीता फोगाट, कार्यक्रम प्रभारी मीना चौहान भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगी। महिला खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में हजारों महिलाएं शामिल होंगी। भाजपा के सह मीडिया प्रमुख अरविंद सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम की संयोजिका पूर्व सांसद कैलाशो सैनी व सह संयोजिका कीर्ति सिंह को बनाया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी की अगुवाई में कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अरविंद सैनी ने बताया कि महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह सैनी सदन कुरुक्षेत्र में सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसमें खेल से जुड़ी सभी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। आज इस सम्मेलन को लेकर सैनी समाज भवन में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मवीर मिर्जापुर ने भी शिरकत की। वहीं बीजेपी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी सभी भाजपा पदाधिकारियों ने बताया, भाजपा सरकार ने सदैव महिला के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं। भाजपा ने नारी सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की मजबूती और सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन बिल पास किया गया, ताकि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके। कार्यक्रम की सह संयोजिका कीर्ति सिंह ने मीडिया को बताया कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी खुद भी एशियाड चैंपियन, जूडो कोच, नेशनल रेफरी व ब्लैक बेल्ट रही हैं। श्रीमती दांगी सदैव महिलाओं को खेलों के प्रति उत्साहित करती रहती हैं। महिला मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व होने के साथ साथ वे खेलों के प्रति लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित करती रहती हैं। महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन करना भी महिलाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़े। आज प्रेस वार्ता के दौरान सभी भाजपा नेत्रियों ने कल होने वाले इस सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम की संयोजिका पूर्व सांसद कैलाशो सैनी व सह संयोजिका कीर्ति सिंह, जिलाध्यक्ष परमजीत कश्यप, भाजपा नेत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शशि सैनी व अन्य भाजपा नेत्री ममता सैनी के साथ साथ कई अन्य भाजपा पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहीं। कुमार देव जी मुख्य अतिथि के रूप में इस महिला खिलाड़ी सम्मान समारोह में शामिल हो रही हैं, और इसके अलावा हमारी और भी प्रदेश की मुख्य महिला मोर्चा की महिलाएं और हमारी बहन श्रीमती सुनीता डांगी जी अध्यक्षा इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी भी आ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे संगठन मंत्री भी आ रहे हैं, फणीन्द्रनाथ शर्मा जी। ये समारोह में काफ़ी हजारों की तादाद में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जैसा कि बहन जी ने बताया, 6 जोन में समस्त हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को बांट करके हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का अंदाज़ा उसके शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से परिपक्व नागरिकों को देखकर लगाया जा सकता है। खेल हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तभी एक साउंड माइंड इन्हें साउंड बॉडी वाला जो धारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझ करके हमारे खिलाड़ियों के क्रमशः ओलंपिक, एशिया और राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़, 3 करोड़ और 2 करोड़ रुपये क्रमशः देने का जो ऐलान किया है, और उनके स्कॉलरशिप्स और उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो जीवन में चिंता के बगैर प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए उनको हॉस्टल में रहना, खाना पीना फ्री, एंड उनको जॉब, जैसे हमारी लड़कियां बेटियां डीएसपी और एसपी लग रही है हमारी सरकार में, पर्वतारोही महिलाओं को भी हमारी सरकार ने एसपी डीएसपी की सर्विसेज दी हैं। तो ये काफ़ी सारे मसले हैं, हमारी सरकार बहुत खिलाड़ियों का सम्मान कर रही है, क्योंकि खिलाड़ी एक तो स्ट्रांग होते हैं, विल पावर उनके अंदर, मिलजुल कर काम करने की भावना, टीम स्पिरिट से खेलते हैं। जैसे कबड्डी का गेम है, टीम स्पिरिट का गेम है, टीम का बैलेंस बिगड़ा तो टीम हार जाती है। तो ये धारणा जीवन भर उनके काम आती है कि वी हैव टू वर्क विद अ टीम स्पिरिट एंड विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो राष्ट्र के लिए ताकत के साथ आगे खड़े हो। सुनकल जी, गेम्स के अंदर जो विजेता रहेंगे उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है? कल की गेम्स के लिए तो सरकार ही ऐलान करेगी। आई एम नॉट एन ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन जी, तो मैं क्या प्लीज आज ये सब। नमस्कार जी, मैं
सुनीता दांगी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। हम आपके ज़िले में महिला खिलाड़ी सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। कल 7 तारीख को सुबह 10 बजे का हमारा टाइम है। कहाँ कहाँ से जो है खिलाड़ी पहुँचेंगे जी, किन किन को सम्मानित कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए अपने यहाँ के जो 5-6 जिले हैं, हमने कोशिश की है कि 4 जोन में हमने हरियाणा को लिया है और 6-6, 5-5 जिले एक जगह पर हम इकट्ठे करके और उन बेटियों को सम्मानित करेंगे और उनका सम्मेलन रखेंगे। तो क्या उद्देश्य क्या है इस तरह सम्मान समारोह करने का? और भी जिलों में आप आयोजित कर रहे हैं इस तरह? और जिलों में भी करेंगे हम। बहुत सी संख्या में हमारी महिला खिलाड़ी हैं, सभी लड़कियां तो इंटरनेशनल नहीं हो पाती हैं, सभी लड़कियां सम्मानित भी नहीं हो पाती हैं, किन्हीं कारणों से अगर वो पीछे रह जाती हैं, लेकिन वो अभ्यास तो सारा साल करती हैं और बहुत सी बेटियां बहुत से मेडल सारा साल हमारे लिए कराती हैं। और मैं भी एक खिलाड़ी रही हूँ, जूडो की कोच हूँ मैं, SGDP काम करती हूँ, तो मैंने भी उस दर्द को अपने टाइम में सहन किया है। तो मेरी एक इच्छा थी हमारी सबकी कि भाई महिला खिलाड़ियों को हम एक प्लेटफार्म पर सम्मानित करें, उन बेटियों को जो इतनी मेहनत करती हैं, किस तरह से गांव से बेटियां आकर प्रैक्टिस करती हैं और किस तरह वो संघर्ष करती हुई खेलों में आगे बढ़ती हैं, हमारे देश का नाम रोशन करती हैं। मैम, कल को लेकर तैयारियाँ किस स्तर पर चल रही है? कल को लेकर देखिए, आपके इधर से 6 जिले में जो बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल में हैं, उनको हमने 31 बेटियों को यहां पर सम्मानित करेंगे हम, और बाकी की जितनी बेटियां आएंगी हम सबको टी शर्ट से सम्मानित, उनको भी बेटियों को जो भी इस कार्य इस हमारे कार्यक्रम में भाग लेंगी उन सबको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। कोई बड़ा खिलाड़ी भी आएगा जो सम्मानित करेंगे? बड़े खिलाड़ी से हमारा संपर्क है जी, कई बेटियां, लेकिन एक तो नेशनल गेम्स चल रहे हैं गोवा में और दूसरे कई बेटियों के ना कैंप चल रहे हैं अभी, वो इंटरनेशनल टाइप की कम बेटियां आ पाएंगी नेशनल गेम्स की वजह से, हमने सूचना दे रखी है जी। हाँ जी, आप नरेंद्र मोदी की और हमारे मनोहर लाल जी की जिस प्रकार से सोच है कि हर क्षेत्र में जो भी आगे बढ़कर काम करता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो खिलाड़ी हो, तो इस प्रकार के चाहे वो समाज क्षेत्र में हो, तो उन लोगों को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं उनको पारितोषिक देने का, उनका सम्मान करने का जो काम है वो हमारी सरकारें कर रही हैं। अभी जिस प्रकार से किसानों को जो है दिल्ली में उपराष्ट्रपति जी ने बुलाकर वहाँ उनको सम्मानित किया, और इसी प्रकार से हमने सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी पीछे जो हर लोकसभा के अनुसार करवाई थी, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं पर्दे के आगे नहीं आ पाते पर नेपथ्य में रहकर कहीं ना कहीं अपनी मेहनत करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं, तो उन सभी ऐसे खिलाड़ियों को बुलाकर जो है उनको उसमें खेल स्पर्धा में उनको जोड़ा था, और उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत से हर रोज जो है एक चीफ गेस्ट के रूप में हमने वहाँ उनको बुलाया था। हमारे हॉकी के जितने आज तक कैप्टन रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं या फिर उनके कोचिज रहे हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर आए थे। तो ठीक उसी क्षेत्र में और आगे बढ़ते हुए हमारा महिला मोर्चा जो है, हमारी सुनीता रंगी जी बहन जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो इसी प्रकार से 4 जोन में पूरे हरियाणा को बांटकर जो महिला खिलाड़ी हमने जिन्होंने समाज में अपना नाम किया है, परिवार का नाम किया है, जिसमें देश के लिए जो मेडल लेकर आई हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम आगे किया है बढ़ाया है, तो ऐसी तमाम खेलों से जुड़ी महिलाएँ जो हैं वो उनको यहाँ पर बुलाकर जो अपने जोन की जो 6 जिलों की जो बहनें हैं खिलाड़ी हैं वो यहाँ बुलाकर उनको कल उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा जो है ये महिला मोर्चा को श्रेय जाता है कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम लेकर जो है बहनों को हौसला बढ़ाने का काम किया।